हेलो हेलो माय फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हमारे थर्ड यूनिट के सेकंड चैप्टर पे, दैट इज द नाइट। ओ रुक जाओ, बराबर कर दूं मैं इसे। द नाइट आई मेट आइंस्टाइन, वो रात जब मैं आइंस्टाइन से मिला। आइंस्टाइन, हाँ वही वाले आइंस्टाइन जिसके बारे में सोचा ना, द ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टाइन, है ना, सुना है ना उनके बारे में। हाँ वही, उन्हीं की बात हो रही है, ठीक है। तो वो उस रात को जिक्र कर रहे, उस रात के बारे में बता रहे जब वो आइंस्टाइन से मिले, ठीक है। तो ये जो चैप्टर, इसके राइटर कौन है, जेरोमी वेडमैन, बॉर्न इन 1913 एंड लेफ्ट दिस वर्ल्ड इन 1998, वॉज एन अमेरिकन प्ले राइटर एंड नॉवेलिस्ट। इन 1960 ही वॉन द पुलित्जर प्राइज फॉर हिज वर्क, अ म्यूजिकल ड्रामा टाइटल्ड फियरेलो। He collaborated with George Ebert, Jeremy Bock, and Sheldon Hendrick for its musical and lyrics. His book I Can Get It For You Wholesale has also been used for a movie of the same. तो मतलब उन्होंने इन कुछ पर्सन के साथ कोलैबोरेट किया था इन म्यूजिक और लिरिक्स में, ठीक है। और उनकी जो ये बुक है आई कैन गेट इट फॉर यू होलसेल, ये एक मूवी में भी कन्वर्ट की गई है, ठीक है। Now, now to the first para. When I was a very young man, I was invited to dine at the house of a philanthropist. Philanthropist मतलब rich man or who helps poor. ठीक है, तो जब वो बहुत छोटे थे, उनको ना dine मतलब उनको dinner करने के लिए ना एक philanthropist के घर पे बुलाया गया था। और philanthropist कौन बोला? एक rich man या फिर जो गरीबों की help करते हैं। After a wonderful dinner, our hostess. Hostess means जो उन्हें बोलते ना, अभी जैसे हम लोग बड़े बड़े होटल वगैरह में जाते हैं तो ऐसे हॉस्टेस होते, बोलते कि सर आप यहाँ पर आइए, सर आप यहाँ जाइए, मतलब वो हमें डायरेक्शंस देते हैं। कहीं देखो बिग बॉस में कौन होस्ट है, सलमान खान, देन कौन ने करपटी में कौन होस्ट है, अमिताभ बच्चन, ठीक है। तो वैसे ही वो उस हॉल में ना ये जो हॉस्टेस थी, और हॉस्टेस देखो, अ वुमन हु इनवाइट्स गेस्ट टू अ सोशल इवेंट, टू अस टू अ लार्ज ड्रॉइंग रूम। एक लास्ट ड्राइंग रूम में, ड्राइंग रूम में क्या होता है, एक्टिविटीज होती है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते थे। चेस में बिंग अरेंज, तो वहाँ पर ना चेस अरेंज किए थे। आई एम अरेंजिंग द चेस फॉर अ कॉन्सर्ट, वो बोलती है कि मैं ये जो चेयर्स है ना वो अरेंज कर रही हूँ कॉन्सर्ट के लिए। कॉन्सर्ट क्या होता है, जहाँ पर देखो ना बड़े बड़े सिंगर्स, म्यूजिक प्लेयर्स आके ना गाना गाते और हम सुनते। देखो, परफॉर्मेंस ऑफ म्यूजिक बाय प्लेयर्स और सिंगर्स। माय हॉस्टेस सेड, वी आर गोइंग टू लिसन टू अ वेरी गुड पियानिस्ट, तो बोलते ना आज हम सुनने वाले एक बहुत ही खूबसूरत पियानिस्ट को, समवन हु प्लेज द पियानो। दो एवरीवन एल्स वाज वेरी हैप्पी, वो कहता है कि सब लोग तो बहुत खुश थे, आई वाज नॉट, लेकिन मैं नहीं था। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड क्लासिकल म्यूजिक, वो कहते हैं कि ना मुझे ना क्लासिकल म्यूजिक का समझ नहीं था। आई थॉट आई वाज टोन डेफ, टोन डेफ मतलब जिनको ना सुरताल का कुछ अता पता नहीं रहता, उनको पता नहीं था कि कब लो टोन, कब हाई पिच आएगा, कब लो पिच आएगा, ऐसे कुछ सुर ना हो, कुछ ताल ना हो, ऐसे अनेबल। देखो इधर मीनिंग भी, अनेबल टू हियर द डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो नोट्स ऑफ म्यूजिक, ठीक है। आई सैट डाउन सो दैट आई कुड नॉट बी इम्पोलाइट एंड वेटेड फॉर द कॉन्सर्ट टू बिगिन, तो वो ना वहाँ पर बैठ गए। दो उनको सॉन्ग नहीं सुनना था, उनको म्यूजिक नहीं सुनना था, फिर भी वो वहाँ बैठ गए ताकि वो इम्पोलाइट ना लगे, मतलब रूड ना लगे, ठीक है। एंड वेटेड फॉर द कॉन्सर्ट टू बिगिन, और वेट करने लगे कॉन्सर्ट का चालू होने का। आई डिड नॉट पे अटेंशन टू द म्यूजिक आफ्टर इट बिगिन, तो वो बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे रहे थे उस म्यूजिक पे। After a while, I heard everyone clapping, so I realized that the piece was over. तो थोड़ी देर में उन्होंने सुना कि सब लोग ताली बजा रहे, तो उनको रियलाइज हुआ कि जो पीस था, जो म्यूजिक था, वो ओवर हो गया, ठीक है। जस्ट देन आई हर्ड अ जेंटल बट फर्म वॉइस सेइंग, तो एक अच्छी सी प्यार जेंटल एकदम सॉफ्ट वॉइस सुनी उन्होंने बाजू से अपने सुनी, योर फॉन्ड ऑफ बैक, कि क्या तुम्हें बैक पसंद है। आई न्यू एज मच अबाउट बैक एज आई डिड अबाउट न्यूक्लियर फिजिक्स, उन्हें जो राइटर है उन्हें उतना ही पता था जितना उन्हें उतना ही पता था बैक के बारे में जितना उन्हें न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में पता था, मतलब उनको बहुत थोड़ा ही पता था। आई वॉज गोइंग टू से समथिंग ऑर्डिनरी सो डेट आई कुड गेट आउट ऑफ द सिचुएशन, मैं कुछ ऑर्डिनरी सा बोलने आया था कि ताकि मैं उस सिचुएशन से बाहर निकल पाऊँ, लेकिन क्या वो देखते चलो। I turned in order to look at my neighbor and I saw very famous face. वो ऐसे मुड़े देखने के लिए कि उनके बाजू में कौन है, उनका पड़ोस में कौन बैठा है, और उन्होंने बहुत जाना माना चेहरा देखा। It was someone with a shock of white hair and a pipe.
किसका डिस्क्रिप्शन दिया है, आइंस्टाइन का, उनके जो बाल वो कैसे थे, व्हाइट कलर के, एकदम शॉक लगे हुए एंड उनके मुंह में हमेशा पाइप रहता था. आई नो व्हाट आई मस्ट टेल दिस मैन द ट्रूथ, ही लुक्ड एट मी एज इफ माई आंसर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो राइटर है उनको पता था कि मुझे इस इंसान को सच बताना चाहिए. और जो पर्सन था, जो आइंस्टाइन थे ना, वो ना राइटर की तरफ ऐसे देखने लगे जैसे कि उनका जो आंसर था ना वो बहुत इंपॉर्टेंट था. आई डो नॉट नो एनीथिंग अबाउट बैक, आई सेड, आई हैव नेवर हर्ड एनी ऑफ हिज म्यूजिक, ही लुक्ड सरप्राइज्ड. तो जो राइटर थे ना क्या बोलते कि ना मैंने ना कभी भी बैक के बारे में कुछ सुना नहीं है और मुझे ना उनके म्यूजिक, मैंने कभी उनके म्यूजिक सुना नहीं है. जैसे वो बोलते हैं तो जो आइंस्टाइन थे वो एकदम शॉक में उसको देखने लगते हैं. आई हैव नेवर हर्ड ऑफ बैक, ही आस्क्ड, यू हैव नेवर हर्ड ऑफ बैक. तो आइंस्टाइन बोलते क्या तुमने कभी भी बैक का गाना नहीं सुना है. ही मेड इट साउंड एज इफ आई हैड सेड दैट आई हैड नेवर टेकन अ बाथ. तो वो ऐसा साउंड कर रहे हैं जैसे कि राइटर ने बोल दिया है कि मैं तो कभी नहाता ही नहीं हूँ. रुको, यहाँ पर भी कुछ है. ठीक है, इधर भी ना. आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड म्यूजिक सो दैट आई कुड अंडरस्टैंड बैक, आई सेड. बोले तो मुझे ना पहले ना म्यूजिक को समझना पड़ेगा ताकि मैं बैक को समझ पाऊँ. आई सेड बट आई एम नॉट एबल टू, आई एम टोन डेफ. लेकिन वो बोलते कि लेकिन मैं ये कर नहीं सकता बिकॉज मैं ना टोन डेफ हूँ. ठीक है, जिसे हाई नोट लो नोट का कुछ अता पता ही नहीं रहता, उनके लिए सब सेम ही होते था. द ओल्ड मैन गॉट अप, यू विल कम अप विथ मी. तो जो ओल्ड मैन है ना आइंस्टाइन जी ना, वो उड़ गए और बोले कि तुम्हें ना मेरे साथ आना पड़ेगा. ही आस्क्ड, आई जस्ट रिमेन सीटेड. लेकिन जो राइटर है वो बैठे हुए थे. फिर वो फिर से बोलते हैं आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू कम विथ मी, ही सेड अगेन. वो फिर से बोलते हैं मैं तुमसे गुजारिश करता कि तुम मेरे साथ आओ. सो आई वेंट अप विथ हिम, ही टुक मी टू अ रूम विच हैड अ ग्रामोफोन. ठीक है, वो उन्हें जो वो जो राइटर है वो आइंस्टाइन जी के साथ चले गए वहां पर. ठीक है, वो और जो आइंस्टाइन थे वो उनको ऐसे रूम में लेके गए जहां पर ग्रामोफोन था. ग्रामोफोन देखो ऐसे होते हैं, ग्रामोफोन. ठीक है, जैसे बड़े पहले कैसे अभी हमने किसी सीडी डीवीडी प्लेयर से सब यूज करते हैं, वैसे पहले ग्रामोफोन था जहां पर गाना बजता था. मशीन फॉर प्लेइंग रिकॉर्डेड म्यूजिक. इंडियन टेन आस्ट व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक. तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें किस तरह का म्यूजिक पसंद है. वेल आंसर, आई लाइक सॉन्ग्स दैट हैव वर्ड्स. तो उन्होंने आंसर किया कि मुझे ऐसे सॉन्ग्स पसंद है, जो राइटर वो आंसर करते हैं कि मुझे ऐसे सॉन्ग्स पसंद है जिसमें वर्ड्स हो. ठीक है, और एंड द काइंड ऑफ म्यूजिक वेयर आई कैन फॉलो, और जिसका जो ट्यून है वो मैं गुनगुना सकूं. ही स्माइल्ड एंड नॉडेड ऑब्वियसली प्लीज्ड. यू कैन गिव मी एन एग्जांपल परहैप्स. तो वो स्माइल किए और नॉड किए, एकदम मुंडी हिलाए. मूव्ड हेड अप एंड डाउन टू इंडिकेट एग्रीमेंट. ठीक है, ऑब्वियसली प्लीज्ड. तो मतलब उनके आंसर से सेटिस्फाई के बोले कि तुम मुझे कोई एग्जांपल दे सकते हो ऐसे कोई गाने का. आई टोल्ड हिम आई लाइक एनीथिंग बाय बिंग क्रॉसबी. एट वंस आई कुड हियर बिंग क्रॉसबीज वॉइस फिलिंग द रूम. तो बोलते जो राइटर है वो बोलते हैं कि ना मुझे बिंग क्रॉसबी का गाना पसंद है. तो उसी टाइम पे जैसे वो बोलते वैसे ना जो आइंस्टाइन है ना वो है ना सॉन्ग लगा देते ग्रामोफोन में और जो रूम है वो उन बिंग क्रॉसबीज के आवाज़ से भर जाता है. Now can you please tell me what you just heard? He said. अभी वो question पूछते हैं आइंस्टाइन राइटर से कि तुमने अभी क्या सुना मुझे बताओ. तो the simplest answer seemed to sing the lines, so I sang it back to him. तो जो राइटर है वो सोचते हैं कि दो सिंपल जो सबसे आसान आंसर है ना वो क्या हो सकता है कि वो ना जो गाना है ना उसको गा के सुना दे. ठीक है, तो वो ऐसे ही गाना सुना देते गा के. He smiled. You are not tone deaf, he said. तो आइंस्टाइन बोलते सवाल करते बोलते तुम तो टोन डेफ नहीं हो. आई टोल्ड हिम दिस वाज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग, समथिंग आई हैड हर्ड हंड्रेड ऑफ टाइम्स, सो इट डिडंट रियली प्रूव एनीथिंग. तो जो राइटर है वो बोलते हैं ना कि वो क्या बोलते हैं कि ये जो गाना है ना वो मैंने ना हंड्रेड से सौ बार से भी ज्यादा बार सुना है, इसलिए मैं एक गाना गुनगुना सकता हूँ और ये कोई कुछ प्रूफ नहीं करता. तो आइंस्टाइन बोलते हैं नॉनसेंस. पागल वाली बात कर रहे हो, यही तो सब प्रूफ करता है. इट प्रूफ्स एवरीथिंग.
Do you remember your first arithmetic lesson in school? वो बोलते हैं कि क्या तुम्हें याद है तुम्हारा फर्स्ट अर्थमेटिक्स लेसन इन स्कूल, अर्थमेटिक्स जो मैथ्स वगैरह सिखाते ना, वो लेसन तुम्हें याद है तुमने फर्स्ट बार क्या सुना था? सपोज एट योर वेरी फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद नंबर्स, योर टीचर हैड ऑर्डर यू टू वर्क आउट अ प्रॉब्लम इन से लॉन्ग डिविजन और फ्रैक्शन, कुड यू हैव डन? तो मुझे ना इमेजिन करो कि तुम्हारी जो टीचर है ना, उन्होंने ना पहली बार में तुम्हें बोला होता कि ना एक मुझे काम करो लॉन्ग डिविजन करके दिखाओ और फ्रैक्शन करके दिखाओ, तो क्या तुम कर सकते? तो क्या बोलते पोएट रुको, हाँ ये जरा मैं बड़ा कर दू, नो ऑफ कोर्स नॉट. तो राइटर बोलते अरे नहीं बिल्कुल भी नहीं कर पाता मैं. तो आंसर बोलते एग्जैक्टली, इट्स लाइक लर्निंग मैथ्स, यू हैव टू लर्न एडिशन सब्ट्रैक्शन इन ऑर्डर टू डू मल्टीप्लिकेशन डिविजन. नाउ आई एम प्लेइंग समथिंग अ लिटिल मोर एडवांस. तो वैसे ही आइंस्टाइन बोलते हैं कि एग्जैक्टली यही मैं सिखाना चाहता हूँ कि तुम्हें मैथ सीखने के लिए पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखना चाहिए, सीखना पड़ता है, और ताकि तुम मल्टीप्लीकेशन और डिविजन सीखना सीख पाओ. ठीक है, अब तो चलो अब मैं ना थोड़ा एडवांस लेवल का सॉन्ग बजा रखता हूँ. ठीक है, इट वॉज जॉन मैकॉर्मैक सिंगिंग द ट्रम्पेटर सिंग दैट बैक ही ऑर्डर. तो उन्होंने कोई सिंगर का गाना लगाया द ट्रम्पेटर, और उन्होंने क्या बोला राइटर को कि चलो तुम भी गाओ. And we went on from level to higher level until he was playing just music without words. तो इसी तरह से ना वो हर एक लेवल एक एक लेवल बढ़ते गए जब तक वो लोग उस लेवल पर नहीं आ गए जहाँ पर वो म्यूजिक बज रहा था विदाउट कोई वर्ड्स के. आई वॉज अमेज दैट दिस ग्रेट मैन वॉज पेइंग कम्प्लीट अटेंशन टू मी सो दैट आई कुड लर्न समथिंग न्यू. वो शॉक में थे कि ये जो पर्सन है, ये जो ग्रेट पर्सन है, उस पर इतना अटेंशन दे रहे थे एज इफ कि ये उनके लिए याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू लर्न. इट वॉज एज इफ आई वॉज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन हिज वर्ल्ड. और उनको जो राइटर है उनको ऐसा क्या लग रहा था कि वो तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है राइट नाउ, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है. सडनली ही गॉट अप एंड टर्न ऑफ द ग्रामोफोन. तो अचानक से आइंस्टाइन उठ गए और उन्होंने क्या किया, ग्रामोफोन को बंद कर दिया. Now, young man, he said, we are ready to listen to Bach. तो जो आइंस्टाइन ने क्या बोला कि young man, अब हम ready हैं Bach सुनने के लिए. We went down and sat in the hall. Just allow yourself to listen, he said. That's all there is to it. तो बोलता है कि बस तुम सुनने के लिए खुद को परमिशन दो. ये मत सोचो कि मैं टोन डेफ हूँ, बस खुद को सुनने दो. ठीक है, he said. और बस वही तुम्हें करना. That's all there is to it. I have heard that piece many times since that day, but I'm never alone. और वो याद करे कि मैंने उस दिन के बाद ना वही पीस वही गाना है ना बहुत बार सुना, और तभी जब भी वो गाना सुनता था मैं कभी अलोन फील नहीं करता था. I'm sitting beside a small man with a shock of untidy hair and a pipe in his mouth. He has eyes that are unusually warm. When the concert ended, ठीक है अनयूजुअली वार्म से बता दूँ. तो वो कह रहे थे कि जब उनके साथ ये बात हुई, वो पहली बार जब आइंस्टाइन से मिले ना, उसके बाद ना उन्होंने वो सॉन्ग ना बहुत बार सुना, और जब भी वो सॉन्ग सुनते थे ना तो उन्हें ना ऐसा होता था कि जो वो स्मॉल मैन जो छोटे से इंसान ने जिनके बाल अनटाइडी थे एकदम शॉक वाले वाइट हेयर थे और उनके पाए मुंह में हमेशा पाप रहता था, वो इंसान हमेशा मेरे बाजू में बैठे ऐसा उन्हें लगता था. और उनकी जो आइस है वो बहुत वार्म थी, मतलब बोलते ना अपनापन महसूस कराने वाली आइस थी. When the concert ended, I too was able to clap sincerely. Our hostess came towards us. We both stood up. तो जब वो concert खत्म हुआ ना, तो इस बार ना poet को भी वो गाने का ताल समझ में आया, सुर समझ में आया कि उन्हें समझ आया कि कितना beautiful song है, और इसलिए वो एकदम sincerely, एकदम ईमानदारी के साथ clap कर पाए. तो जैसे गाना खत्म हुआ तो उनकी जो hostess है ना वो ना उन दोनों के पास आती है और आइंस्टाइन और राइटर खड़े हो जाते हैं. I'm so sorry, Dr. Einstein, she said, giving me a cold look that you miss so much. तो जो हॉस्टेस है ना वो ना आइंस्टाइन को क्या बोलते हैं कि मुझे माफ करना आइंस्टाइन जी, आपने इतना सारा वो आपने ना बहुत कुछ मिस कर दिया. और वो इनडायरेक्टली ना राइटर को ऐसा घूर रही थी, एकदम गुस्से वाला लुक दे रही थी, क्योंकि उसको क्या लग रहा था कि आइंस्टाइन जी ने ना इतना सारा ये गाना मिस कर दिया बिकॉज ऑफ राइटर. I'm sorry too, he said. My young friend here and I, however, were engaged in the greatest activity of which a human being is capable. तो आइंस्टाइन जी बड़े पोलाइटली बोलते हैं, मैं भी तुमसे माफी चाहता हूँ क्योंकि मेरा ये छोटा सा दोस्त और हम ऐसे काम में बिजी थे जो ह्यूमन बींग जो एक इंसान कैपेबल है करने के लिए. She looked puzzled, really? She said. And what is that?
तो जो लड़की और हॉस्टेस थी ना वो एक ना पजल, मतलब थोड़ा क्वेश्चन भरा उसको, क्वेश्चनेबल तरीके से उन्होंने पूछा, सच्ची क्या सच में? तो बोलते देखे तो ऐसा कौन सा काम है, व्हाट इज दैट? आइंस्टाइन स्माइल्ड एंड पुट हिज आर्म अक्रॉस माय स्टैंड अक्रॉस माय शोल्डर्स। तो आइंस्टाइन जी ने स्माइल किया और जो आर्म है वो है ना राइटर के कंधे पे रखा और बोला, ओपनिंग द फ्रंटियर्स ऑफ ब्यूटी, मतलब खूबसूरती का गेट खोलने का। कौन सा काम कर रहे थे वो? खूबसूरती का गेट होने का। सो दिस वॉज द ऑल, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा हो। अगर चैनल, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जितना हो सके उतना शेयर करना। थैंक यू सो मच।